सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं आ गया हूँ आज अपने फिर से एक और न्यू ब्लॉग वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, आपने मेरा बीटपाड़ा वाला ब्लॉग देखा ही होगा। वो जब वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन का टाइम चल रहा था तब मैंने एक बीटपाड़ा का ब्लॉग शूट किया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोग ने नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हो। सो आज मैं फिर से आया हूँ बीटपाड़ा का आपको कुछ अच्छे अच्छे प्लेसेस को दिखाने के लिए। यहाँ पर बहुत अच्छा पार्क है, यहाँ पर एक गोल्फ मार्ट है जहाँ पर गोल्फ खेला जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मैं आपको घूम घूम के आज सब कुछ दिखाऊँगा बीटपाड़ा में कितने अच्छे अच्छे प्लेसेस है बीटपाड़ा में, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें। मैं आज वीडियो में आप लोग आज बने रहो, आज आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। ये आज फिर से एक बीटपाड़ा स्पेशल ब्लॉग होगा, एक बीटपाड़ा ब्लॉग है मेरा जो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वो लॉकडाउन के टाइम था, उस टाइम जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब का वो ब्लॉग था। उस टाइम सब कुछ खाली खाली था लॉकडाउन के टाइम का, तो आप लोग देख सकते हो। और आज मैं आपको सब बीटपाड़ा के अच्छे अच्छे जगहों को दिखाऊँगा, तो आई होप आप लोग इस वीडियो को इन्जॉय करोगे। सो वीडियो में बने रहो, चलो मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रहा हूँ आपको, सबसे पहले मैं दिखाऊंगा बीटपाड़ा का पार्क। यहाँ पर मैं अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर अंदर जाके मैं शूट करने मतलब मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लड़के लड़कियाँ लोग आते हैं। सो अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर पार्क में अंदर जाने के लिए 10-20 रुपया या 30 रुपया ही लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। मैं बहुत टाइम हो गया, 2-3 साल हो गया मैं गया नहीं हूँ अंदर। मैं आपको बाहर से ही दिखा दूँगा पार्क का सीन, अंदर मैं नहीं जाऊंगा। और अभी देखते हैं, चलो मैं जा रहा हूँ, बस थोड़ा ही दूर है, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ सीन। तो चलो पार्क भी आज देख लो बीटपाड़ा का। सो फ्रेंड्स, यही है बीटपाड़ा पार्क, और आप लोग ने मैं बाहर से दिखा दिया, और अंदर तो मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज अंदर जाके मैं शूट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज यहां पर बहुत सारे लड़के लड़के लोग आते हैं। अब बहुत सारे लोगों को घर में पता भी नहीं होता, इसीलिए मैं अंदर जाके शूट नहीं करूंगा, तो बाहर का ये सीन। तो चलो मैं, सो फ्रेंड्स, मैंने पार्क के अंदर जाके इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि मैं एक ऐसा ब्लॉगर हूँ जो कुछ भी दिखाता हूँ तो अच्छे से, मतलब सही अच्छे से दिखाता हूँ, मतलब कहाँ पर क्या है एकदम अच्छे से जूम कर करके अच्छे से दिखाता हूँ। तो वहाँ पर अंदर जाके मैं इसलिए शूट नहीं करना चाहता था बिकॉज बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियाँ भी आते हैं जिनके घर में पता नहीं होता है, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी के भी प्राइवेसी को मतलब इस तरह से वीडियो में दिखाऊं। अगर मान लीजिए मैं अंदर जाकर शूट भी करता हूं तो हो सकता है उसमें बहुत सारे लड़के लड़कियां भी कैप्चर हो जाए, तो इसी कारण से मैंने आपको बाहर से ही दिखा दिया। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा पार्क देख के। तो चलो मैं अभी आपको दिखाता हूँ गोल्फ मार्ट, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मार्ट है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग आते हैं चिल आउट करने के लिए, और वहाँ पर गोल्फ भी खेलने आते हैं बहुत सारे लोग, मतलब गोल्फ खेलते ही है वहाँ पर। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ गोल्फ मार्ट। सो फ्रेंड्स, आपको गोल्फ मार्ट दिखाने से पहले मैं आपको बीटपाड़ा के एक और मार्ट दिखाना चाहता हूँ, जो आप मेरे पीछे ये जो जगह देख रहे हो, ये जगह मैं आज से 5-6 साल पहले यानी 2016 में हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए हुए थे। ये जो पीछे जो ये जगह देख रहे हो, यहाँ पर उनका फ्लाइट जो है वो लैंड हुआ था, और यहाँ पर इतना क्राउड हुआ था, इतना भीड़ हुआ था, मैं भी आया हुआ था कि यहाँ पर पेड़ रखने तक का जगह नहीं था। तो यही वो मार्ट है, मैं अभी आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ कितना बड़ा मार्ट है। यहीं पर आज से 6 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए हुए थे। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ ये मार्ट कितना बड़ा है। सो फ्रेंड्स, ये जो प्लेस है, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का फ्लाइट लैंड हुआ था ये जगह पे, और ये जो इतना बड़ा आप जगह देख रहे हो, यहाँ पर पूरा क्राउड था। ये इधर में ये पूरा गांव, ये मतलब पूरा गांव है, इधर आसपास में बहुत सारे लोग रहते हैं, और ये जो मार्ट है यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आए हुए थे। तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो ये आप लोग देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर थोड़ा बैठा हुआ हूँ, देख सकते हो गर्मी का दिन आ चुका है, चेहरा देख सकते हो। मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा ही चलने के बाद बहुत गर्मी लगने लगा, चेहरा भी देख सकते हो कैसा ख़राब दिख रहा है। तो अभी मैं यहाँ थोड़ा सा 5-10 मिनट थोड़ा बैठ लेता हूँ, देन मैं आपको दिखाऊँगा उधर वहाँ पर जाके वो जो मार्ट है उसको गोल्फ मार्ट बोलते हैं, आई थिंक उसका रियल नाम क्या है मुझे तो नहीं पता उतना, शायद गोल्फ मार्ट ही बोलते हैं। वहाँ पर आदमी लोग गोल्फ खेलते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे पेड़ है, मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ है, वहाँ पर भी लोग आते हैं, बैठते हैं, आराम करते हैं, चिल आउट करते हैं, लड़के लड़कियाँ और भी बहुत सारे लोग आते हैं। सो चलिए थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेता हूँ, देन आपको मैं जाके वहाँ पर दिखाता हूँ।
सो फ्रेंड्स, आप जो ये घर देख रहे हो, मेरा भी ड्रीम है कि मैं इस तरह का घर बनाऊँ। मैं अभी गली से गुजर रहा था तो मुझे ये दिखा, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरा भी ड्रीम है कि मैं इस तरह का घर बनाऊँ, ये घर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बिरपाड़ा मार्केट, हमारे यहाँ का बिरपाड़ा मार्केट कैसा है, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ, तो चलो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है बिरपाड़ा का मार्केट। सो फ्रेंड्स, वो मार्ट जाने के लिए बहुत सारा रास्ता है बिरपाड़ा में, बहुत बहुत जगहों से आप लोग जा सकते हो। मैं ये रास्ता से जा रहा हूँ, ये रास्ता से पहले भी जाता था, ये रास्ता पहले बहुत गंदा होता था लेकिन अभी बहुत साफ़ हो चुका है, तो मैं इधर से ही जा रहा हूँ मार्ट। ये है सामने रेल पटरी, ये रेल पटरी को पार करके मैं वो मार्ट में जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं ये रेल के साइड में जो रास्ता है मैं वहीं से जा रहा हूँ। ये देखो, ये है रेल का पटरी और ये जो साइड में जो रास्ता है मैं वहीं से जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा सामने में है, मैं पैदल पैदल ही घूम के आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा थक जा रहा हूँ, क्योंकि टोटो या कुछ और से जाने से तो फिर पैसा भी उतना ही खर्चा होगा। तो अभी आने वाले हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ वो मार्ट। सो फ्रेंड्स, यही है वो मार्ट जिसके बारे में आपको बोल रहा था, देख सकते हो पीछे। ये है जगह, बहुत ही बड़ा है ये, तो अभी इधर का एक साइड है, उधर अभी जाने जाने से बहुत ही बड़ा होते जाएगा मार्ट। तो मैं ट्राई करूँगा आपको उधर भी जाके दिखाने के लिए। यही वो मार्ट है, मतलब बहुत बड़ा, इधर देख सकते हो कितना सारा पेड़ है। यहाँ पर लोग आते हैं, आराम करते हैं, बैठते हैं, चिल आउट करते हैं। तो यही है वो मार्ट, मैं आपको बैक कैमरा से भी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मार्ट में चल के मैं बहुत ही मतलब थक जा रहा हूँ, इतना लंबा मार्ट है। अभी उधर तक और है, आप देख सकते हो उधर तक, तो अभी बाहर निकलूँगा, ऐसे थक जा रहा हूँ बहुत चल के। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सामने में मेरा स्कूल था और मैं ये मार्ट में बहुत बार आया हुआ हूँ डेटिंग के लिए, लड़कियों के साथ में बहुत बार आया था। ये जो पीछे आप ये जगह देख रहे हो, यहीं पर मैं बैठा हुआ था, तो मैं इधर से जा रहा था तो मुझे याद आ गया, यही है वो जगह, ये वाला। तो मैं सामने में स्कूल था तो मैं यहीं पर आके डेटिंग मतलब करता था। सो फ्रेंड्स, मैं वो मार्ट से निकल के साइड आया और मैं ये लंका रोड में निकल गया। ये है लंका रोड, ये रास्ता लंका पड़ा, तुलसीपाड़ा, मकरपाड़ा, इधर ही ये रोड से जाते हैं। तो मैं इधर मेन बिरपाड़ा में निकल चुका हूँ लंका रोड में। तो चलिए आगे, आपको और भी बिरपाड़ा के और भी कुछ अच्छे जगहों को दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने देखा, मैंने आपको जो भी दिखाया है मार्केट और भी बहुत सारी चीज़ आई, आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे आज खाने का मन किया है समोसा और मिष्टी बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर एक होटल है जहाँ पर मैं रेगुलर वहीं पर मैं खाता हूँ मन करता है। तो चलिए आप लोग को मैं दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, यही है वो होटल जहाँ पर मैं खाता हूँ रेगुलर। सो फ्रेंड्स, ये जो बस स्टैंड है, ये है बिरपाड़ा बस स्टैंड। यहाँ से आप लोग को अलीपुर द्वार, जयगांव,
सिलीगुड़ी मतलब यहाँ तक कि यहाँ से आपको बस मिल जाती है, रेगुलर यहाँ से बस रहती है। तो यही है बस स्टैंड। मैं बैक कैमरे से आपको यहाँ का वेटिंग रूम और बस स्टैंड दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है बिरपड़ा वेटिंग रूम। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। यहाँ पर बहुत सारी बिरपड़ा में चीज़ है जिसको मैंने आज कवर नहीं कर पाया, क्योंकि अब बहुत मैं थक गया था चलते चलते। जैसे यहाँ का बिरपड़ा का मॉल, बिरपड़ा का रेलवे स्टेशन, बिरपड़ा का नेपाली स्कूल, बंगाली स्कूल, हिंदी स्कूल, यहाँ पर गुलमा भी है। तो बहुत सारी चीज़ था जो मैं आज कवर नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बहुत चल चल के थक गया था। तो देन मैं इसका सेकेंड पार्ट फ्यूचर में बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा। सो आई होप आपको आज की ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो आपको पता ही है क्या करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मैं 1K का बहुत ही नज़दीक हूँ। सो इसी तरह प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। ओके बाय।